लीजिए, सवाई माधोपुर से मिल रही है। दर्दनाक हादसा पेश आया है। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, 2 मासूम घायल हुए हैं। बौली थाना इलाके में एक्सप्रेस वे पर ये दर्दनाक हादसा पेश आया है और इस दर्दनाक हादसे में 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, 2 मासूम बच्चे घायल हुए हैं। बनास पुलिया के पास ये हादसा हुआ है। अज्ञात वाहन चालक ने कार को मारी टक्कर। बौली थाना पुलिस ने घायलों को CHC बौली में भर्ती कराया है। सीकर से रणथंबोर के त्रिनेत्र गणेश के दर्शन के लिए जा रहा था ये पूरा परिवार और हादसे का शिकार हो गया ये परिवार और इस हादसे में 6 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, 2 मासूम की यहां पर घायल हो गए हैं। बौली थाना इलाके में एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। बनास पुलिया के पास हादसा हुआ है। अज्ञात वाहन चालक ने टक्कर मारी है। पुलिस ने घायलों को CHC बौली में भर्ती करा दिया है। आपको जानकारी दे दें कि सीकर से रणथंबोर के त्रिनेत्र गणेश के दर्शन के लिए ये परिवार जा रहा था। तो बड़ी खबर, दुखद खबर, हादसा पेश आया है और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। सवाई माधोपुर से ये बड़ी खबर, हादसे में 2 मासूम घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। ज्यादा जानकारी के साथ बजरंग इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है। बजरंग, कैसे ये हादसा पेश आया? जी, मैं आपको बताऊं कि बौली थाना क्षेत्र के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर ये सड़क हादसा हुआ है जिसमें 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। 2 बच्चे उसमें घायल हुए हैं जिन्हें बौली CHC में भर्ती करवाया गया है। बताया जा रहा है कि ये जो मृतक है ये सारे एक ही परिवार के लोग थे और सीकर के ये रहने वाले बताए जा रहे हैं। जो सीकर से चलकर रणथंबोर के त्रिनेत्र क्षेत्र के दर्शनों के लिए ये लोग आ रहे थे। तेज गति से गए और अज्ञात वाहन ने उनके कार को टक्कर मार दी और हादसे में 6 लोगों की मौके पर मौत हो गई, 2 बच्चे घायल हो गए। सूचना के साथ ही बौली थाना पुलिस वह मौके पर पहुंची है। शवों को अपने कब्जे में लिया जा रहा है और बच्चों को, जो घायल बच्चे हैं दोनों, उनको बौली CHC में भर्ती करवाया गया है। बजरंग, ये बताइए, जहाँ ये घटनाक्रम पेश आया है वो ब्लैक स्पॉट है या डार्क स्पॉट है, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है? जी, मैं आपको बताऊं कि ये जो नया एक्सप्रेस वे बना है दिल्ली बॉम्बे, ये लाल चौक से और सवाई माधोपुर के लिए अभी इसको चालू किया गया है और जब से ये चालू किया गया है कुछ ही दिनों में लगातार यहाँ पर इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। लेकिन ये बड़ी घटना सामने आई, इसमें एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत होगी। तो लगातार इस एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार से गाड़ियां चलती है, किसी अज्ञात वाहन की टक्कर की वजह से इस कार को जब टक्कर मारी तो इसमें जो लोग सवार थे उसमें 6 लोगों की मौत होगी, 2 बच्चे घायल हैं। चलिए, शुक्रिया आपका बजरंग तमाम जानकारी के लिए।